यूहन्ना का पहला आम खत, पहला बाब। जिंदगी का कलाम। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा नूर है। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें, जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। दूसरा बाब, मसीह हमारा मददगार। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह न करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। नया हुक्म। ऐ अजीजो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है, वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़को, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। मुखालिफ मसीह।
اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے ہیں، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے، اس کے پاس باپ بھی نہیں۔ جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے، اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے، وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے، اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ غرض اے بچوں، اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے، تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے، وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرا باب، خدا کے فرزند۔ دیکھو، باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے، اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے، وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے، نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے، وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا، وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے سے محبت۔ کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا، اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے، اور اس کے بھائی کے کام راستے کے تھے۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا، وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو
कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेख करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। अरे बच्चों, हम कलाम और जबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। चौथा बाब, हक और गुमराही की रूह। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन न करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार न करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। खुदा मोहब्बत है। ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। पांचवा बाब, दुनिया पर हमारा गलबा। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं, और खुदा की मोहब्बत यह है
कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यीशु मसीह की बाबत गवाही। यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया था, यानी यीशु मसीह। वो ना फकत पानी के वसीले से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से जिंदगी बख्शेगा। उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो।